हे गाइस, आज मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मुझे नील ने भेजी है। और ये सक्सेस स्टोरी है इस बुक की, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। तो उन्होंने ये बोला कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और जब वो कुछ ऐसा टाइम था, ये बात 10 साल कुछ पुरानी है, उनके साथ में जो कलीग थे उनका नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं था जो उनके ऑफिस में थे, और उन्होंने पूरे ऑफिस का माहौल ख़राब कर रखा था। और उनको ऑफिस में नील को इवेंचुअली ऑफिस में पीस ऑफ माइंड मिलना बंद हो गया था। तब उनको इस बुक के बारे में पता चला, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया। देखिए, ऐसी जो बुक्स होती हैं, सीक्रेट को पढ़ने में कुछ टाइम नहीं लगेगा आपको। सीक्रेट इज़ लाइक एन एड, वो एक मूवी है, वो एंटरटेनमेंट के लिए आप समझ लो। ये जो बुक है इसको आप लोग, आपको डीपली एक 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 पेज को पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसी बुक्स को आपको जीवन में उतारने की ज़रूरत है, जैसे कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या द पावर ऑफ नाउ या फिर द कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। ये जो बुक्स हैं ये ऐसी हैं कि आप एक ही बुक को अगर रोज़ पढ़ेंगे तो रोज़ आप ऐसा कुछ इफेक्ट करेंगे कि रोज़ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को या अपनी सोल को कमांड दे रहे हैं प्रेजेंट में रहने के लिए, या अवेयर हो रहे हैं सिचुएशन के, जिससे कि, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ना एक छोटे बच्चे की तरह होता है। चॉकलेट दी, उसके पीछे रवाना हो गया, कहीं पे कुछ करंट बिजली का तार लटक रहा, उसको छूने के लिए रवाना हो गया। उसको नहीं पता चलता कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो बस बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है या कोई ना कोई ऐसी आप बुक पकड़ लो जिसको आप पढ़ते रहो, जिससे कि आपका माइंड ट्रेन होता रहे। तो उनके केस में क्या हुआ कि उन्होंने जब ये पढ़ा और उनको सबकॉन्शियस माइंड की पावर, जैसे हम नई नई बुक पढ़ते हैं तो उनको बहुत क्रेज होता है ना, तो उनको सबकॉन्शियस माइंड की पावर का पता चला, तो उन्होंने फिर मैनिफेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने सोचा, वैसे विजुलाइज करते थे कि जो वो एम्प्लॉय जिस चेयर पर बैठता है, उस चेयर पर कोई नहीं है, ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा है, सब लोग आपस में इंजॉय कर रहे हैं, और उनकी जो, देखिए विजुलाइज आप 5 मिनट करते हो, 10 मिनट करते हो, अगर बचे हुए दिन अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, अगर आप बिलीफ में नहीं हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, बचे हुए दिन आप उस इंसान को कोस रहे हो, तो ऑफकोर्स आप उस इंसान को ही अट्रैक्ट करोगे। तो बचे हुए दिन वो मेडिटेट करते थे, प्रेजेंट में रहते थे, खुश रहते थे, वो अभी भी मेडिटेशंस करते हैं, वो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखते हो, न्यूट्रल रहते हो, आपका ईगो कम रखते हो, तो मैनिफेस्टेशन बहुत आसान हो जाता है। तो उनको बस ये, उनको ये अंदर से इनर नोइंग थी, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन हाई थी, कि इस पर्सन का तो ट्रांसफर होना ही है। अगर उनके मन के अंदर डाउट होता, फियर होता, और वो विजुलाइज करते तो भी ये मैनिफेस्टेशन नहीं होता, बिकॉज आपकी जो मेन डोमिनेटिंग जो फीलिंग होती है वो मैनिफेस्ट होती है हमेशा। यूनिवर्स को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, आप अपनी वाइब्रेशन को बेवकूफ नहीं बना सकते। मतलब आप ये है कि आप लिख रहे हो पेपर के ऊपर लेकिन आप फियर फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, इनसिक्योर फील कर रहे हो, और लिख रहे हो आई एम हैप्पी, तो उससे वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो उसके लिए मेरे हज़ारों जो ये वीडियोस बनाए आप देखिए, मैंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई जिससे कि आप अपने वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं। अब मैं बहुत जल्दी बहुत ऐसी क्रियाएं बताने वाली हूँ जो सबकॉन्शियस को क्लियर करेंगी, जो मैं यूज़ कर रही हूँ। दोज आर ट्रमेंडस क्रियाज ऑफ 3-4 मिनट्स, लाइफ चेंजिंग टाइप की। तो होपफुली मैं जल्दी उनको रिकॉर्ड करके डालूंगी। तो बस फिर ऐसा हुआ कि 6 महीने लगे उनको, 6 महीने तक उन्होंने अपनी, देखिए पेशेंस कितना रखा उन्होंने। 1 महीने बाद ये नहीं बोला कि ये सब चीज़ तो काम नहीं करती है ना, क्योंकि यू हैव नो चॉइस रियली। आप दुख मना करके या गुस्सा करके भी क्या कर सकते हो, बेटर टू बी हैप्पी, फील हैप्पी एंड विजुलाइज वॉट एवर यू वॉन्ट। ये क्यों विजुलाइज करना कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और ऐसा ही चलेगा, हमेशा ऐसा विजुलाइज करने की कोशिश करो कि सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। तो वो करते गए फाइनली द न्यूज केम कि उन पर्सन का ट्रांसफर हो गया है, और ऐसे मैनिफेस्टेशन से फिर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, और अब तो वो एक मिरेकल मैनिफेस्टर है, वो जो चाहते हैं वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं। इज सच अ हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ गाय, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और आप सब लोगों को भी प्लीज़ ये बुक पढ़िए, अगर हिंदी में अवेलेबल है तो उसको पढ़िए। मुझे लगता है हर चीज़ की कॉपी यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ऑडियो बुक सुन लीजिए, अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं पक्का दूंगी। और अपना ध्यान रखिए, अपने मैनिफेस्टेशंस को मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको शेयर करना। ओके, बाय।